खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। रीवा जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने वीडियो व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि मध्य प्रदेश जो पूरे देश का शांति टापू है, आज यहां सांप्रदायिक दंगे लगातार हो रहे हैं। अभी हाल ही में जैन समाज के बुजुर्ग भंवरलाल जैन को मुस्लिम समझकर भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा मार दिया गया। भाजपा नेता मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी से आग्रह है कि प्रदेश में शांति के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा लें। जैन समाज के बुजुर्ग भंवरलाल जैन जी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कर दी गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जब से गृह मंत्री का कार्य संभाले हैं, तब से मध्य प्रदेश के अंदर सांप्रदायिकता का सद्भाव लगातार बिगड़ रहा है। चाहे वह खरगोन हो, चाहे वह नीमच हो, चाहे आज रतलाम हो। जब हम सब अपनी माँ के गोद से जन्म लेते हैं, तब उस बच्चे को यह नहीं मालूम रहता कि हम किस धर्म में, किस घर में पैदा हुए हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, तब उसे मालूम चलता है कि हम इस समाज में, इस घर में पैदा हुए हैं। हमारे गुरुओं ने कहा है कि अल्लाह अकबर नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जबजा कौन भले कौन बंदे। हम सब एक नूर के बंदे हैं। कोई शंकर भगवान जी की पे आस्था रखता है, कोई वाहेगुरु जी पे आस्था रखता है, कोई अल्लाह पे आस्था रखता है, कोई कृष्ण पे आस्था रखता है। सबकी आस्था एक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन नामों के साथ सबको खड़ा कर दिया। किसी को कह दिया कृष्ण जी के वंशज हैं तो ये कृष्ण जी के वंशज हैं, किसी को कह दिया ये राम जी के वंशज हैं तो ये राम जी के वंशज हैं। हम सब वंशज हैं, लेकिन हम सब वंशज हैं अच्छे कार्यों के वंशज हैं। हम सब वंशज हैं तो हमें अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने, समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, जो हमारे तुलसी बाबा, गुरु नानक देव जी, रविदास जी, भक्तसेन नाई जी, इन सब ने समाज को जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता तोड़ने का काम करते हैं। अल्पसंख्यक समाज भी हमारे बीच के, हमारे घर का, हमारे परिवार का एक सदस्य है। हम सब कहीं कोई अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलग कर सकती है, जाति से जातियों को बांट सकती है, धर्म में भेदभाव करा सकती है, लेकिन आने वाले समय में इन सब चीज़ों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मेरा तो शिवराज जी से साफ कहना है कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मध्य प्रदेश के अंदर सांप्रदायिकता का जो है वातावरण खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर चलने लगेंगे। जय हिंद, जय भारत। रीवा से खबर समय जगत के लिए अमित पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।